अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, एचआई टीवी के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान हुस्ना खान। नाज़रीन, आज मैं अलाइड स्कूल सलामतपुरा कैंपस शालीमार स्कीम में मौजूद हूं, जहां पर एनुअल प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी हो रही है। आइए नाज़रीन, मैं आपको इस इवेंट का विजिट करवाती हूं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? जोहा फातिमा। कौन सी क्लास में पढ़ती हो आप? फोर गर्ल्स। आज आपने कौन सी पोजीशन ली है? फर्स्ट। फर्स्ट पोजीशन ली है। प्राइस लेकर आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ की टीचर्स कैसी हैं? अच्छी हैं? बहुत अच्छी है। स्कूल ये आपको अच्छा लगता है? हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? माय नेम इज मीरा। माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही है। आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? वन क्लास। एज क्या है आपकी? सेवन। सेवन इयर्स। आपके स्कूल का क्या नाम है? अलाइड स्कूल। यहाँ की टीचर्स आपको प्यारी लगती हैं? यस। सब अच्छे हैं यहाँ पे? जी। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मोहम्मद ज़ैनब अशफाक। आप बहुत प्यारी लग रही है। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? वन। वन में पढ़ती हो। एज क्या है आपकी? सेवन इयर्स। ये आज जो आप परफॉर्म करोगे, ये किसने सिखाया आपको? मिस ने आपने। मिस ने आप, आपको प्यारी लगती है? यस। सब टीचर्स प्यारी हैं? यस। स्कूल अच्छा है? यस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? फूड। आप बहुत प्यारे लग रहे हो। किसने रेडी किया आपको? मामा ने। मामा ने रेडी किया है। अच्छा, आप जो आज परफॉर्म करोगे वो किसने सिखाया है? मामा ने। मामा ने सिखाया है। मामा आपको प्यारी लगती है? और यहाँ की जो टीचर्स हैं वो भी प्यारी हैं? स्कूल अच्छा लगता है? अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? अलीजा। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? प्रेप। प्रेप में? बहुत प्यारे लग रहे हो। आपको रेडी किसने किया? मामा ने। मामा ने। और जो आज परफॉर्म करोगे वो किसने सिखाया? मामा ने। मामा ने ही सिखाया। आप भाई हो दोनों? नहीं, भाई नहीं हो। यहाँ जो टीचर्स हैं आपको अच्छी लगती हैं? और स्कूल अच्छा लगता है? प्रिंसिपल अच्छी है? यहाँ की टीचर्स मारती हैं? अच्छा, आप वाकई सच में इतने क्यूट हैं या फिर जोकर बनके क्यूट लग रहे हैं? वैसे ही क्यूट हूँ। सही में सच में क्यूट हैं। अच्छा, जो आज आप परफॉर्म करेंगे वो आपको किसने सिखाया? ये हमें हमारी टीचर ने सिखाया। टीचर ने सिखाया है। और यहाँ की टीचर्स आपको अच्छी लगती है? यस। स्कूल अच्छा है, आना आपको यहाँ अच्छा लगता है? यस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? बिस्मा। बहुत क्यूट लग रही हो। थैंक यू। किसने तैयार किया? मम्मा ने। मम्मा ने तैयार किया। अच्छा, आप सच में इतनी क्यूट हो या जोकर बन के क्यूट लग रही हो? सच में इतनी क्यूट हूँ मैं। सच में क्यूट है। अच्छा, जो आप आज परफॉर्म करेंगी वो किसने सिखाया? टीचर ने। मेरी टीचर ने सिखाया। यहाँ की टीचर्स अच्छी हैं या मारती हैं? बहुत अच्छी हैं। बहुत अच्छी हैं। अच्छा, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाए, आप कैसी? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। क्या नाम है आपका? मिस नायाब जाहिद। मिस नायाब, आपको इस स्कूल में पढ़ाते हुए कितना अरसा हो गया? तकरीबन मुझे 2 साल हो गए हैं। 2 ईयर्स। 2 साल हो गए हैं। कौन सी क्लास को पढ़ाती हैं आप? मैं 1-3 का जो सेक्शन है, प्री सेक्शन, वहाँ पे साइंस और एक्टिविटीज के लेक्चर्स लेते हैं और ये परफॉर्मेंस वगैरह जो रेडीज करवाते हैं, ये चीज़ें। जी, ठीक है। इस स्कूल की कोई खास बात? क्या अब खास बात है स्कूल की? इस स्कूल की खास बात ये है कि यहाँ पे बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है हर तरह से, एक्टिविटीज़ में खास तौर पे, क्योंकि मोस्टली जो स्कूल्स है ना वो रट्टा सिस्टम है, यहाँ पे रट्टा सिस्टम नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी जो बच्चों को ना एक्टिविटीज़ के थ्रू बच्चों को ज़्यादा सिखाया जाता है और बकाया यहाँ पे बच्चे बहुत टैलेंटेड है, टीचर्स बहुत टैलेंटेड है। यहाँ पे ये जो बाकी स्कूल्स में होती है थोड़ी करप्शन वगैरह होती है पेपर्स वगैरह में, यहाँ पे वो सिस्टम नहीं है। बहुत अच्छा सिस्टम है। सर वहीद और सर नुमान और ये सब जो डायरेक्टर साहब वगैरह, ये बहुत अच्छे से हमारे सिस्टम को लेकर चल रहे हैं माशाल्लाह से। हमारी मैनेजमेंट बहुत अच्छी है और बहुत से सिस्टम यहाँ पे, और पेरेंट्स भी हमसे सेटिस्फाई हैं सारे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। नाम क्या है आपका? सैयद फैजान अली। फैजान, आपको स्कूल में पढ़ाते हुए कितना अरसा हो गया? 3 इयर्स हो गए हैं मुझे यहाँ पे। 3 साल हो गए। कौन सी क्लास को आप पढ़ाते हैं? मैं 9-10। 9-10 को कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं? मैथ्स। मैथ्स पढ़ाते हैं। इस स्कूल की कोई खास बात बता दें, क्या खास है स्कूल? खास बात यह है कि हमारी मैडम बहुत अच्छी हैं और कोऑपरेटिव बहुत ज़्यादा करती हैं हमारे साथ, और मतलब कि ये है कि मुझे बहुत बेनिफिट है यहाँ पे। बच्चे बहुत कोऑपरेटिव हैं। मैथ के फार्मूले में 2-2 बुक्स लगाई हुई हैं, रजिस्टर लगाए हुए हैं अलग अलग फार्मूले की वगैरह के। इसमें यह होता है कि हमारी मैडम हमसे पूछ के चलती हैं। ये नहीं होता कि बस हमारे पास ये थोप दिया कि बस यही कराना है, इस तरह नहीं होता। हमारे टीचर से कोऑपरेटिव से करके फिर हमें पढ़ाते, तो हमारे रिजल्ट बहुत
बहुत ही अच्छा आता है और हमारे पेरेंट्स जो है हमारे साथ वो बहुत कॉपरेटिव करते हैं कि बहुत अच्छा पढ़ाया जाता है इधर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? मैं ठीक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। नाम क्या है आपका? मेरा नाम सुमैरा। सुमैरा, आपको स्कूल में पढ़ाते हुए कितना अरसा हो गया? मुझे यहाँ पढ़ाते हुए तकरीबन 2 साल हो गए। 2 साल हो गए हैं। कौन कौन सी क्लासेस को आप पढ़ाती हैं? मैं 4, 5, 6 उर्दू पढ़ाती हूँ। स्कूल की क्या खास बात है? स्कूल की खास बात ये है कि यहाँ पे जो कमज़ोर बच्चे हैं स्टडी में, पढ़ाई में, यहाँ पे उनको स्पेशल टाइम दिया जाता है, उनको अलग से टाइम अरेंज किया जाती है, उनकी क्लासेस अरेंज की जाती हैं, उनको यहाँ पे उनकी कोशिश होती है कि बच्चों को जो है कि वो बच्चा यहाँ से पिक करके जाए, उन्हें घर जाके पढ़ने में यानी मुश्किल ना हो। टीचर्स उनको बार बार वो चीज़ रिपीट करवाती हैं। नाज़रीन, आज मैं असिस्टेंट डायरेक्टर राना मोहम्मद नुमान के साथ मौजूद हूँ। आइए इनसे स्कूल के इवेंट के हवाले से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, ये बताइए कि इस इवेंट में एज अ चीफ गेस्ट बनकर आपको कैसा लग रहा है? देखिए जी, सालाना तकरीबे इनामात में बहसियत मेहमान आना किसी एजाज से कम नहीं है। इस दिन की अहमियत का अंदाज़ा वो तालिब इल्म लगा सकता है जो पूरा साल एक बड़ी लंबी जद्दोजहद करके फिर अपने वालिदैन, अपने असातिज़ा की हेल्प से स्टेज तक पहुंचता है। तो आज का दिन ना सिर्फ बच्चों के लिए बल्कि असातिज़ा के लिए भी बड़ी अहमियत का हामिल होता है। असातिज़ा भी आज अपने सामने उन बच्चों को अवार्ड लेते हुए देखते हैं जिनके ऊपर वो पूरा साल मेहनत करते हैं। मैं इस मौके पर खसूसी तौर पर वालदैन को, उन माओं को सलाम पेश करता हूं कि जिन्होंने बच्चों को घर पर अपनी ख़ास तवज्जो देकर, बच्चों को पूरा साल एक डिसिप्लिन के साथ स्कूल भेजकर आज के दिन के मकसद को जो है उन्होंने असल मानों में उजागर किया। तो इंशाल्लाह बसियत असिस्टेंट डायरेक्टर क्लासिक ग्रुप ऑफ एजुकेशन, हम अगले साल एक नए अज़म के साथ इंशाल्लाह बच्चों की परवरिश और अपने इदारे को मजीद बच्चों के लिए बेहतर बनाने की इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। आप तालीम एजुकेशन को किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए जी, तालीम जो लफ्ज़ है इसके साथ जब तक तरबियत का सेगमेंट ना जुड़ा हो तो ये मुकम्मल नहीं होता। तालीम और तरबियत ही असल है समर इस पूरी मेहनत का। तो मेरी नज़र में जहाँ पर हम सिर्फ एकेडमिक जो अचीवमेंट्स हैं उनके ऊपर फोकस करते हैं, वहाँ पर जो कोकरिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं उनके ऊपर भी हमें फोकस करना चाहिए। आपकी नज़र में ऐसा क्या किया जाए कि तालीमी निज़ाम बेहतर हो जाए और इस्लामी तालीम को भी तरजीह दी जाए? इस हवाले से हमने अपने सिलेबस का हिस्सा बनाया है, एजुकेशन है उसको, और इंशाल्लाह हम अपने ना सिर्फ सिलेबस में बल्कि इम्तहानात में भी एक ख़ास पोर्शन जो है नंबरों के हवाले से वो मुख्तस कर रहे हैं ताकि बच्चे जो हमारी दीनी तालीम है उसको भी उसी तरह सीरियस जो है वो लें। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ CEO क्लासिक ग्रुप ऑफ एजुकेशन चौधरी वहीद अहमद मौजूद हैं। आइए इनसे आज के इवेंट के हवाले से गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक। आज के इवेंट में आपको एज ए चीफ गेस्ट आकर कैसा लग रहा है? जी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और बच्चों की हौसला अफजाई होती है, पेरेंट्स की हौसला अफजाई होती है। पूरा साल पेरेंट्स जो हैं बच्चों को मेहनत करवाते हैं इसी दिन के लिए कि उनके बच्चे जो हैं वो पोजीशन ले सकें, तो हमें बड़ी खुशी होती है इनको देख के कि बच्चों पे बहुत ज़्यादा एफर्ट करते हैं पेरेंट्स और टीचर्स। तालीम को आप किस नज़रिए से देखते हैं? एजुकेशन जो है वो हमारी तरक्की का राज है। जिस कौम के बच्चे पढ़े लिखे होंगे, एजुकेशन जिस मुल्क में ज्यादा होगी उस मुल्क की तरक्की जो है उतनी ही ज्यादा होगी, और हमारे मुल्क में थोड़ा सा इस चीज़ का फुकदान है और हमारी कोशिश है, एफर्ट है, हम इसमें थोड़ा सा हिस्सा डालना चाह रहे हैं कि बच्चों को अच्छी तालीम और तरबियत हम दे सकें। आपकी नज़र में ऐसा क्या किया जाए कि तालीमी निज़ाम जो है वो बेहतर हो जाए और दीनी तालीम को ज़्यादा तरजीह दी जाए? एक तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल के जो निसाब है, पहले बड़ी अच्छी एफर्ट की गई थी कि जो निसाब हर सेम होना चाहिए, तो काफ़ी हद तक उसमें बेहतरी आ चुकी है और आगे और आनी चाहिए। और सेकंड, ये कि PBL जो है प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, उसके ऊपर ज़्यादा एफर्ट होनी चाहिए और पूरी दुनिया में जो है बुक्स का बर्डन कम हो रहा है और प्रोजेक्ट और प्रैक्टिकल बेस्ड जो है वो लर्निंग चल रही है और हमें चाहिए कि हम यहाँ पे उसको फ़रोग दे सकें, तो जिससे जो है एजुकेशन सिस्टम बेहतर हो जाएगा। जी तो नाज़रीन, आज तक के लिए इतना ही। इसी के साथ अपनी मेज़बान हुस्ना खान को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।